बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमर खान, प्रेजेंटिंग माय सिक्स्थ लेक्चर ऑफ क्लास वन फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर वन, अबाउट माय सेल्फ, लेसन नंबर टू, माय बॉडी, पेज नंबर 8, 9 एंड 10। हियर अगेन आई एम शोइंग यू अ बुक टाइटल फॉर योर ईजीनेस। ओके, इन आर लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट बॉडी पार्ट्स। हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपने सेंटेंसेस बनाने हैं कुछ अपने पार्ट्स को लेकर। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑन पेज नंबर 8, ठीक है। मैंने आई हैव मैंशनड इन माई टाइटल पेज, पेज नंबर 8 पे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, फॉलो द पैटर्न, कम्प्लीटली फॉलो योर पैटर्न। आपने अपनी मर्जी से पैटर्न फॉलो नहीं करना, जो पैटर्न मैंने आपको बताया है ब्रॉड मार्जिन्स के साथ प्रॉपरली अच्छी राइटिंग के साथ आपने करना है, क्योंकि यू आर यूजिंग फोर लाइन नोटबुक्स, सो यू हैव जस्ट स्किप योर वाइड लाइन, ठीक है। अदरवाइज यू डोंट स्किप एनी काइंड ऑफ लाइन, आपने कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी, सिर्फ वो जो आपकी वाइट लाइन होती है वो आपने स्किप करनी होती है, बाकी फोर लाइंस पर आप बहुत अच्छे से लिखोगे। कैपिटलाइज स्मॉल लेटर्स, ये आपको पता है दैट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस एंड यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कम्प्लीटिंग अ सेंटेंस। देन लास्ट में आपने क्या करना होता है, एंडिंग लाइन, यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वर्क, ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 2, माई बॉडी। क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ फॉर रनिंग। कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे बॉडी पार्ट है जिससे आप भागते हो, कौन से बॉडी पार्ट से आप भागते हो, कैसे भागते हो आप, ठीक है, फीट के थ्रू आप भागते हो, ठीक है, पाँव से आप अपने भागते हो, ऐसा ही है ना, हाथों से तो नहीं भागते आप, हैंड से तो नहीं भागते, अपने अपने पाँव से भागते हो, ठीक है। सो आप फीट यूज़ करते हो अपने भागने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ फॉर ईटिंग। खाना खाने के लिए आप अपने मुंह का या अपने बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हो, अपने फेस का यानी अपने मुंह का इस्तेमाल करते हो और अपने टीथ का इस्तेमाल करते हो, अपने दांतों का इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही तो नहीं है ना, अपने मुंह में खाना लिया और आप जैसे ही स्वेलोड कर गए, ऐसा नहीं होता, आपने च्यू करना होता है, तो उसके लिए आपको टीथ की हेल्प ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ फॉर राइटिंग। लिखने के लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हो, हैंड्स यूज़ करते हो, अपने हाथ यूज़ करते हो लिखने के लिए, जाहिर सी बात है हैंड से ही लिखते हो ना, पाँव से तो नहीं लिखते हम, हैंड से लिखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, यू कैन सी इट, कैपिटलाइज लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कम्प्लीटिंग अ सेंटेंस, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस, ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वर्क। ओके, मूव टू योर बुक, बुक पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 9 पे वर्क पेज आ जाता है, इट्स योर होमवर्क, पार्ट ए इज़ योर होमवर्क। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू फिल इट, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपने कैसे फिल करना है। दिस इज़ माई डैश, यहाँ पर ये आपके पास हिंट पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, यू हैव हिंट पिक्चर्स, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फिल आउट करना है। दिस इज़ माई डैश, ये आपका क्या है, दिस इज़ माई डैश, ये आपकी क्या है, दिस इज़ माई डैश, ये आपकी क्या है, ये आपने यहाँ पर मैंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वट कलर, कौन सा कलर है, यह है सारा, दिस इज़ सारा, ये सारा बनी हुई हैं। अब शी हैज़ डैश हेयर, उसके कलर कौन से हैं, बालों का कलर कौन सा है उसका बताएं आप, ज़रा थोड़ा सा फोकस करें अपने पेजेस पे, अपनी पिक्चर पे। सो शी हैज़ ब्लैक हेयर, उसके काले बाल हैं, यहाँ पर आपने ब्लैक लिख देना है, हेयर कलर लिख देना है। हर आइज़ आर डैश, उसकी आँखें देखें कौन से कलर की हैं, ब्राउन, ठीक है, उसकी आँखें कौन से कलर की हैं, ब्राउन कलर की हैं। This is Tim. ये कौन है, Tim है, He has golden hair. देखें, look at this, golden hair. उसके बाल कौन से कलर के हैं, गोल्डन, जो उनसे कलर के होंगे, जैसा कलर होगा वो आपने मैंशन करना है। His eye color are brown. उसकी आँखों का कलर कौन सा है, ब्राउन है। अब आपने यहाँ अपना बताना है, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पलर ही लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आपने अपना बताना है थर्ड में। My hair is dash. आपकी हेयर कौन से कलर के हैं, ये आपने देख के बताना है, ठीक है, कौन से कलर के हैं, लाइट ब्राउन कलर के हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, या गोल्डन कलर के हैं, या कोई भी कलर आपका बालों का जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, आपने अपना लिखना है। माई आइज़ आर डैश, अब आपने यहाँ पर अपनी आई कलर लिखना है, अपने सिबलिंग से पूछें, अपनी मदर से पूछें आपकी आई कलर कौन सा है, और यहाँ पर मैंशन कर दें कि माई कलर, आई कलर इज़ डैश। नाउ टर्न पेज 10, पेज नंबर 10 पे हम आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास है ट्रू फॉल्स,
ये हो गया, दिस इज़ नजीब, ये कौन बने हुए हैं, नजीब बना हुआ है ये। लुक एट द पिक्चर एंड मार्क टिक एंड स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ओके, हमने क्या करना है, हमने देखना है नजीब के ऊपर, यहाँ पर नजीब की कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो टिक होंगी मीन जो ट्रू होंगी हमने उन पर टिक कर देना है, जो फॉल्स होंगी उन पर हमने भी टिक कर देना है, जो सी भी स्टेटमेंट जैसी भी होगी उस पर हमने टिक कर देना है। ट्रू होगी तो ट्रू पर टिक कर देंगे, फॉल्स होगी तो फॉल्स पर टिक कर देंगे। फर्स्ट वन, नजीब हैज़ थ्री आर्म्स, क्या नजीब के तीन हाथ हैं, लुक एट दिस, नहीं, सो फॉल्स पर टिक कर दिया कि ये गलत स्टेटमेंट है। He has two ears. इसके दो कान हैं, दो कान ही हैं तो true कर दिया हमने। His hair is grey. क्या उसके बाल grey कलर के हैं, नहीं, so false हो गया, गलत हो गया ये। Najib's eyes are green. नजीब की आँखें green कलर की हैं, look at this, नहीं, green कलर की नहीं है, so हमने यहाँ false कर दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाएं आप अपने होमवर्क पे। एक तो होमवर्क आपका था जो आपने बुक पर करना है, वो जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे, बल्कि 2 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट लगेगा। ये आपने अपनी नोटबुक पर करना है, ठीक है, जहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन आंसर्स का काम कंप्लीट किया है ना, उसी के नीचे एंडिंग लाइन ड्रॉ करें, उसी के नीचे से आपने डिक्टेशन लिस्ट की हेडिंग देनी है, और ये सारे डिक्टेशन लेटर्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर लेने हैं। एंड यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, उन्हें याद करें, और याद करके कहीं रफ पेजेस पर ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका अब पेपर जो है, अब आप नाउ इन योर वन क्लास, यू आर इन वन क्लास, आपका ओरल पेपर नहीं होगा, यू हैव टू राइट, ठीक है, आपको अगर रिटन पेपर देना है सो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार आपको ये वर्ड्स। टंग, टी ओ एन टंग, जी यू ई ग, टंग, ठीक है, टंग आपकी ज़बान, टीथ, त का साउंड आएगा, टीथ, आप टीथ यानी दांत, चीक्स, फेस, एल्बो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिफोर लेक्चर, लास्ट लेक्चर, ठीक है, थाई, थाई, काल्फ, नी, रनिंग एंड राइटिंग। डन हो गया जी, अब आपने ये बहुत अच्छे से राइटिंग में लिखना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।